Dear students, assalamu alaikum. Hopefully you will be greatly blessed with health, and I hope that you have prepared all your previous activities carefully and properly. And today's our topic is grammar skills and activities singular plurals. And point number one here, singular कहते हैं एक को, वाहिद को, और plural कहते हैं जमा को, यानी कि एक से ज़्यादा को. Man, आदमी, men ज़्यादा. Bench, benches, tooth, teeth. हमने क्या करना है, जब डबल ओ या डबल ओ जहाँ पे आए, यहाँ पे देखें हमने ए को किस से रिप्लेस किया है, ई से, और जब सी एच आए तो उसको उसके लास्ट उसका प्लूरल बनाने के लिए ई एस ऐड करते हैं. जैसे मैन है, मैन, वोमैन, वेमेन, यहाँ पे सी एच आए और यहाँ पे सी एच आए. जब लास्ट लेटर सी एच या एस एच हो तो उसको आप प्लूरल बनाने के लिए हम ई एस ऐड करते हैं. टूथ, टीथ, फुट, फीट. डबल ओ को हमने किस से रिप्लेस किया है, डबल ई से, सेम इज द हेयर फुट में, फुट, फीट. ओके, फिश, फिशेस, बट इट्स प्लूरल इज फिश. कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जैसे फिश है, शीप है, डियर है, इनका सिंगुलर और प्लूरल सेम होते हैं. यहाँ पे ई एस गलती से ऐड हुआ है, यू विल नॉट यूज दिस वन. फिश, फिश, शीप, शीप, डियर, डियर, डियर कहते हैं हिरन को, शीप कहते हैं बेर को. लीफ, लीफ कहते हैं पत्ते को, लीव्स. थीव, जब लास्ट लेटर ए एफ हो या ई एफ हो तो हम उसको उस एफ को वी ई एस से रिप्लेस कर देते हैं. थीव बन जाएगा लीफ, लीव्स, थीव, थीव्स. थीव कहते हैं चोर को. पर्सन, पर्संस, एक्टिविटी, एक्टिविटीज. जब लास्ट लेटर वाई हो तो नॉर्मली हम उसको आई ई एस से रिप्लेस कर देते हैं. जब लास्ट लेटर ई हो तो उसको आप प्लूरल बनाने के लिए हम क्या ऐड करेंगे, एस. डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ अ सिंगुलर प्लूरल दैट यू हैव टू डू, एंड प्रैक्टिस इट एट योर होम केयरफुली एंड प्रॉपरली. इफ यू फील एनी प्रॉब्लम देन यू कैन आस्क मी बाय कमेंटिंग इन द गूगल क्लासरूम. टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर लव्ड वन. थैंक यू, अल्लाह हाफिज़.